22 दिन बाद। हमने 22 दिन पहले पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी। Acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For auld lang syne. For auld lang syne, my dear. Yet for auld lang syne, for auld lang syne. हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम ग्रो करेंगे पर्पल हार्ट को उसकी कटिंग से, और उसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए मैं ये 2 डिस्पोजल कप यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर है नॉर्मल बालू रेत। इसके अंदर अभी कोई फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो हम जस्ट प्लांट की कटिंग को लेते हैं। पर्पल हार्ट की कटिंग काफ़ी नाजुक होती है, और ये देखिए इसके अंदर कितना पल्प भरा हुआ रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती, और एलोवेरा की तरह इसके अंदर जेल भरा हुआ रहता है। आप मेरे उंगली के ऊपर फील कर सकते हैं, और ये अपने रूट लेवल के द्वारा पप्स भी देता रहता है। तो हम इसकी 2 कटिंग लेंगे। ये इसका जेल रूटिंग हार्मोन का काम करता है, इसको ऊपर से कोई रूटिंग हार्मोन देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसका जेल है ये। इसमें एलोवेरा की तरह जेल निकलता है, तो हम इसको जस्ट ग्रो करते हैं। आप इसको दबा देना है 1 इंच तक सोइल के अंदर। इसकी कटिंग लगाना काफ़ी इजी है। और कटिंग लगाने के बाद अब हम इसमें पानी दे देंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देना है हमें। और मैंने डिस्पोजल कप के नीचे बॉटम में 2 होल कर दिए हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर ड्रेनेज हो जाएगा। इस तरह से आप पर्पल हार्ट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। हमने लगा दी है पर्पल हार्ट की कटिंग, तो देखते हैं ये कब तक बड़ी होती है। आप मेरे साथ बने रहिए। 22 दिन बाद। हमने 22 दिन पहले पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी, और हमारी दोनों कटिंग्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है, और इनकी लंबाई भी काफ़ी अच्छे से बढ़ी है। आप इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं पूरे साल, और ये अपनी ग्रोथ कभी नहीं रोकता, और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीड में बढ़ती है। तो आज हम इसकी रूट्स को चेक करेंगे कि इनकी रूट्स कितनी डेवलप हुई है इन कप्स के अंदर।
इनकी रूट्स बहुत नाजुक होती है, अगर हल्का सा भी जोर लगा दिया तो टूट जाएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है हमारी कटिंग की, तो मैं इसको आपको धो के दिखाऊंगा और सेकंड वाला भी हम चेक कर लेते हैं। इसकी भी रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है, तो मैं इन दोनों को धो के फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए मैंने इन दोनों कटिंग्स को अच्छे से धो लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। ये मोटी वाली जो रूट्स होती है ये होती है टैब रूट्स, और जो बारीक बारीक आपको रूट्स दिख रही है ये होती है फीडर रूट्स, जो सोइल से पोषण लेती रहती है। इसमें एक ही रूट्स काफ़ी लंबे से बड़ी है और ये सेकंड वाली यहाँ जर्मिनेट ही हो रही है और एक थर्ड यहाँ से निकलेगी। तो हमारी कटिंग काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल रही है, तो आप भी इस तरह से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं पर्पल आर्ट की, और एक ही प्लांट से काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। आई होप आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।